यार विक्रम, तुमको जब देखते हैं तुम अपनी पत्नी के वश में रहते हो। तुम्हारी पत्नी बोलती है तो तुम खाते हो, तुम्हारी पत्नी बोलती है तो तुम पानी पीते हो, उसके इशारे पर तुम सोते हो, जागते हो, हकते मुते हो, झाड़ू भी तुम ही लगाते हो, पोछा भी तुम ही लगाते हो, सब्जी भी तुम ही लाते हो, खाना भी तुम ही बनाते हो। यार पत्नी है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसके इशारे पर चलो। यार तुम गुलाम बन के रह गए हो। यार विक्रम, दिस इज नॉट फेयर। यार देखो विकास, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, ना ही तुमने वैवाहिक जीवन का सुख लिया है, इसलिए तुमको अभी पता नहीं है। तो सुनो, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हारी बीवी तुमको क्या कहेगी पता है? हे प्रभु, पति परमेश्वर, भगवान और हर भगवान अपने भक्त के वश में रहता है। तब तुम अगर अपनी पत्नी के वश में रह गए तो इसमें क्या बुराई है भाई? है क्या बुराई है? अगर हम अपनी पत्नी के वश में हैं, हम उसके भगवान हैं, पति परमेश्वर हैं, तो अगर हम उसके वश में हैं तो क्या बुराई है इसमें? अब भाई क्या बुराई है, समझाओ इस नादान को। आए हैं बात करने, हम बंद करो।